Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams, and this is our special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. So, this particular news is very important for the GS Paper 3 defense technology. अभी 2023 में ही एक एरो इंडिया 2023 ऑर्गेनाइज होने वाला है जो कि ऑर्गेनाइज होगा एयर फोर्स स्टेशन यहलांग का बेंगलुरु में अराउंड 13 टू 17 फ़रवरी और इस पूरे एयर पवीलियन का जो सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है वो हमारे होंगे एल तेजस बात कर लेते हैं एल तेजस की तो ये एक सिंगल इंजन लाइट वेटेड हाइड्री एजाइल मल्टारोल सुपरसोनिक फाइटर है इसके पास क्वाडरप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय फायर फाइट कंट्रोल सिस्टम भी है विद एसोसिएटेड विद द एडवांस फ्लाइट कंट्रोल लॉस इसको डेवलप किया गया है प्राइवेट पार्टनर्स मॉडल्स के थ्रू चलिए थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं जब हम बात करते हैं लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में तो ये स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन when they established aeronautics development agency which is ada to manage all these lca program so isne replace kiya tha the aging mig 21 fighter planes aapko pata hai ye chalte firte death carriers bhi bol diye jate hain so basically isko design karne wale LCA isko design karne ke liye aeronautical development agency under the department of defense research and development ऑर्गेनाइजेशन ने इनको पूरा डिजाइन करने का काम किया है ये लाइट वेटेड होते हैं स्मॉल होते हैं टेल लेस होते हैं आप देखेंगे इनके पीछे कोई लंबी सी टेल आपको नहीं दिखाई देगी और मल्टा रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स ये होते हैं बेसिकली जो इनको डिजाइन किया गया है वो रेंज कैरी करती है एयर टू एयर एयर टू सर्प एंड प्रिस गाइडेड वेपन्स के थ्रू साथ ही इनकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये एयर टू एयर रीफिलिंग कैपेबिलिटी भी रखते हैं दैट मीन्स मतलब अगर सपोज़ इसके अंदर जो फ्यूल है वो यहाँ पे ख़त्म होने वाला है तो इसको उतरने की लैंड करने की ज़रूरत नहीं होगी इसको एयर के एयर ही यहाँ पर रिफिलिंग कराया जा सकता है जिनका मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी हमें देखने मिलता है तेजस का दैट इज़ फोर थाउजेंड के जी एंड इट कैन अटेंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ मार्च

सो दिस इज इट अबाउट दिस आपको पता होना चाहिए एल क्या होते हैं कितने टाइप के एल हमारे पास हैं और इनकी इम्पोर्टेंस जो हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जहां बात की जा रही है साइट्स ने एक डेटाबेस रिवील किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है फॉर द सेंड्र स्मगलिंग ये लाल चंदन के बारे में यहां पर बात की जा रही है जिसको आप कई बार मूवीज में भी देखते हैं देखिए यहाँ पर साइट्स और ट्रैफिक ने मिलकर इंडियन गवर्नमेंट के साथ ये पूरी जांच पड़ताल की आपको पता है व्हेन वी टॉक अबाउट साइट्स इस स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ़्लोरा एंड फोना ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन गवर्नमेंट्स जिसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो ये इंश्योर करना होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो कि वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट का होता है वो किसी भी ऐसी सर्वाइविंग स्पीशी या नियरली थ्रेटे स्पीशीज का यहाँ पर ना हो चलिए बात करें यहाँ पर तो जो आ, पूरी रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि ये जो लाल चंदन है इसका सबसे ज्यादा जो कंसाइनमेंट है ये एक्सपोर्ट किया जाता है टू चाइना विच इज़ क्वाइट अलार्मिंग इट इज फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव देन हॉन्ग कॉन्ग एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच स्टैंड फॉर थ्री ये जो पूरा डेटा है ये जो पूरी फैक्ट शीट हमारे सामने आई है ये 2016 से लेके 2020 के बीच में है रेड सेंडर्स जिसका साइंटिफिक नेम पेट्रोकैपस सेंटेलियस भी है आप याद रखेंगे ये नाम पेट्रोकैप सेंटेलियस ये एक एंडमिक ट्री है लाल चंदन जिसे हम बोलते हैं एंडमिक ट्री स्पीशी है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें यूजुअली आप देखिए ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया के आसपास देखने के लिए मिलता है स्पेशली इन द आंध्र प्रदेश और एन नियर बाई एरिया बेसिकली जो इनकी हाइट होती है वो दस से पंद्रह मीटर तक ही ग्रो करती है और इनकी इलीगल तरीके से कटाई करके इनको लॉक करके और हार्वेस्ट किया जाता है जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया के खिलाफ है सो so, यहीं पर ये यह बहुत ही अलार्मिंग सी सिचुएशन है जहां इंडिया ने रिपोर्ट किया है एक्सपोर्ट ऑफ नाइनटीन टन ऑफ लॉग्स ठीक है उन्नीस हज़ार उनचास लकड़ी के गट्ठों चंदन की लकड़ी के गट्ठों का यहाँ पर इंडिया ने रिपोर्ट किया है ठीक है विच इज़ वेरी अलार्मिंग अगर हम बात करें सो ट्रांसफॉर्म ट्रांसफ़र किया गया है इनको लगभग इतनी लार्ज क्वांटिटी में सो प्रॉब्लम हेयर इज़ कि जब आप बात करते हैं लाल चंदन की तो इसके देखिए ग्रो होने में बहुत समय लगता है मतलब तीस से पैंतीस साल लग जाते हैं एक पेड़ को बड़ा होने के लिए और उसके बाद जाकर कहीं आपको इससे लकड़ी मिल सकती है ठीक है सो ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव ईयर्स का इसमें टाइम पीरियड लगता है और इतने लार्ज अमाउंट पे इसका ट्रैफिकिंग होना इस स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर्ड कैटेगरी ला रहा है बात करें अगर हम शेड्यूल फोर्थ ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की कैटेगरी के अंदर इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है वहीं आई की रेड लिस्ट में है और ये बहुत ही ज्यादा मैंने आपको बताया है स्लोइंग स्लो नेचुरल ग्रोइंग फॉरेस्ट होते हैं चलिए तो रेड सेंडर्स के बारे में हमने सफिशेंट जानकारी ले ली जो हमें पता होना चाहिए थी बात कर लेते हैं साइट्स के बारे में जब साइट्स की बात की जाती है तो इस्टेंट्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंड डेंजर डपीशी एंड वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना मैंने आपको बताया ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है बिटवीन दी गवर्नमेंट्स जहाँ पर ये मेक श्योर sure किया जाता है कि किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर नहीं दिखे इन केस ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना में इसको ड्राफ्ट किया गया था और इसका रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया 1963 में ठीक है कहाँ पर एक मीटिंग हुई थी आई की उसके अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था साइट्स की बात करें तो ये फोर्स में आया था जुलाई 1975 और आज की डेट में देर आर 184 कंट्रीज जो इसकी मेंबर है ठीक है चलिए साइट्स के सेक्रेट्रिएट की बात करें तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है हमारा यू एन ई पी विच इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ठीक है चलिए बात करते हैं आगे सो so बेसिकली जो थर्ड ऑफ मार्च होता है ठीक है उसको हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है ये डेट चूज की गई थी डिसाइड की गई थी On Trade in उसी को कमामेट करते हुए हर साल तीन जनवरी को हम क्या बनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे चलिए इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं तो पहला ये जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रीएक्सपोर्ट जो होता है सी रूट्स के थ्रू लैंड रूट्स के थ्रू स्पीशीज का उसको पूरा देखता है मेक श्योर sure करता है कि लाइसेंसिंग प्रॉपर लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू ये सारा सब कुछ हो और कोई भी ऐसे स्पीशी जो साइट्स ने जिसको प्रोटेक्ट किया हुआ है आई के प्रोटेक्शन लिस्ट में है उसका इस तरीके से इलीगल पोचिंग यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिली ठीक है सो so बेसिकली इसने तीन लिस्ट अपनी बनाई हुई है अपेंडिक्स वन अपेंडिक्स टू एंड अपेंडिक्स थ्री ठीक है हम एक शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ लेते हैं जब हम अपेंडिक्स वन की बात करते हैं तो ये मोस्ट डेंजरस आपने कई बार देखा होगा साइट्स अपेंडिक्स वन में इसको रखा गया है साइट अपेंडिक्स टू में रखा गया है सो अपेंडिक्स वन का मतलब इट इज मोस्ट इनडेंजर्ड अमंग साइट लिस्टेड एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल जैसे सी टर्टल्स आपने देख लिए होंगे ठीक है गोरिलास देख लिए होंगे वो appendix 1 का यहां पर पार्ट होते हैं सो so, इस में क्या हो जाता है इनका किसी भी तरीके का इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है ठीक है कोई भी कॉमर्शियल ट्रेड यहां पर नहीं किया जाएगा अपेंडिक्स टू की बात कर लेते हैं तो ये उन स्पीशीज की लिस्ट होती है दैट आर नॉट नेसेसरली नाउ थ्रेटन विद एक्सटेंशन बट चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि क्या होगा ट्रेड पे अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ऐसा होने के चांसेस इनके थ्रेट इन कैटेगरी में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे जो so इसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं महोगनी आ जाता है पैडल फिशेस आपको देखने के लिए मिल जाती हैं लाइन्स देखने के लिए मिल जाते हैं अमेरिकन एलिगेटर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं ठीक है ठीके? थर्ड अगर हम बात करें अपेंडिक्स थ्री सो बेसिकली इट इज़ अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज इंक्लूडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी दैट ऑलरेडी रेगुलेट ट्रेड इन द स्पीशीज एंड दैट नीड्स द कोऑपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज टू प्रिवेंट अनसस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन फॉर एग्जाम्पल टर्टल्स केप स्टैक बीटल्स सो यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे स्पीशीज को डाला गया है सो दीज आर द फ्यू फैक्ट्स

मेक श्योर sure आप तैयार रहें कि अपकमिंग कुछ दिनों में आपको न्यूज़पेपर में से बहुत सारे आर्टिकल्स दिखने वाले हैं जो हमारे बजट को लेकर आएंगे बहुत अच्छे क्रिटिकल व्यूज़ देखने के लिए मिल सकते हैं एनालिटिकल पॉइंट्स आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं सो जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत से डेटा यहाँ पर अपने पास स्टोर करने के लिए तैयार हैं बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में जहां बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो रिसेंटली हमारा बजट एलोकेशन हुआ है उसमें सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ठीक है आप यहां पर देख पा रहे होंगे डेटा सिक्सटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी वन पॉइंट फोर टू करोड़ रुपीज ठीक है किसको अलॉट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बिकॉज अगर बात करें तो ये पंद्रह प्रतिशत ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले है ना इसमें से भी अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ने थ्री यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दे आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है ना सो so जब हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो इसको सबसे ज़्यादा बजट यहाँ पर दिया गया है विच इज़ सेवेंट थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी वन पॉइंट ज़ीरो फाइव करोड़ मतलब थर्टी टू पॉइंट वन परसेंट अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो इसमें इतना ज़्यादा पैसा इसको मिला है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में यहाँ पर बात की गई है जैसे डीप ओशन मिशन जो इंक्लूड करता है बहुत सारे वेरियस फैक्टर को जैसे अगर डीप पोशन समरीन व्हीकल्स की आपको ज़रूरत हो जाती है रिसर्च करने की ज़रूरत हो जाती है एक सी की बिल्कुल गहराई में जाना पड़ता है बहुत सारे जो uh, अलग अलग सब्सटेंसेज हैं उन्हें कलेक्ट करना पड़ता है उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और उसके बाद फाइनली जाके आपको कुछ फ्रूटफुल निकल कर आएगा ठीक है वहीं इस बार बात की गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात की गई है रिसर्च इनिशिएटिव्स की बात की गई है टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है बात की जा रही है डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए लेबॉरेट्री मेड डायमंड्स भी देखिए हमारे यहाँ बनकर आ चुके हैं ठीक है पहला एक लेबॉरेट्री मेड डायमंड भी हमें यहाँ पर दिखाई दे चुका है साथ ही इंडिया ने नॉट अलोन टेक्नोलॉजी बेसिक साइंस की फील्ड में जैसे सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने के बारे में बात की है इस सब के बावजूद एक सबसे बड़ा पॉइंट है यहां पर जो अभी भी जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया विच इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री देखिए इंपॉर्टेंट समझिए मैं आपको बहुत अच्छी जगह इसको रिलेट करवाने वाली हूँ फिफ्टींथ ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृतकाल को याद करते हुए एक नया नारा हमें दिया था विच इज दी जय अनुसंधान ठीक है और एक नया नारा हमारे सामने निकल कर आया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान इनोवेशन की बात की गई है नाउ द पॉइंट इज हेयर आपको साइंस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी इनोवेशन करने के लिए जो सबसे बेसिक फैक्टर होता है विच इज़ दी रिसर्च डिपार्टमेंट सो यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उनके पास कोई भी खास अमाउंट इनको नहीं अलोकेट किया गया है ठीक है जैसे आर्टिकल uh, में बात की जा रही है जैसे uh, जितनी भी गवर्नमेंट्स अभी तक आई हैं उन्होंने रिसर्च डिपार्टमेंट पर कोई खास नहीं काम किया सेम हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जहां पर कोई परसेंटेज हमें यहां पर इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखा है जब आप बड़े बड़े देशों की बात करते हैं आप यू की इकोनॉमी की बात करते हैं आप चाइना की इकोनॉमी की बात करते हैं तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को दिया जाता है क्यों क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे बड़ा बेस का काम करता है दैट इज़ रिसर्च इसको इस तरीके से समझिए डी ओशन मिशन की बात की जा रही है बट डी ओशन मिशन के लिए जो बेस है दैट इज रिसर्च विदाउट रिसर्च जब आपके पास जानकारी नहीं होगी बहुत टाइम लगता है देखिए रिसर्च होने में और यही रिसर्चिस के बेसिस पर एक फाइनल रिजल्ट आपके सामने आता है ये रिजल्ट कई बार सक्सेसफुल हो सकती है कई बार ये फील भी हो जाती है एंड फॉर दैट दे नीड अज अमाउंट एंड कंटीन्यूस अमाउंट जो कहीं भी जिस पर कोई हिंडरेंस नहीं हो बट इंडिया में यूजली आप देखेंगे हमारी जी डी पी का एक प्रतिशत भी यहाँ पर खर्च नहीं किया जाता जब आप बात करते हैं कि अरे देखिए अमेरिका में तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है अरे देखिए चाइना में तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है इस कंट्री में इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो आप पाएंगे जितनी भी डेवलप्ड नेशन हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन है जब आप इनकी बात करेंगे तो आप एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर पाएंगे कि ये दो प्रतिशत से भी ज़्यादा अपनी जीडीपी का खर्च करती हैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराने के लिए लेकिन हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास एक प्रतिशत या उससे भी कम का खर्च इंडिया किसके ऊपर करता है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सो विच इज़ नॉट एट ऑल गुड सो कई बार एक मुद्दा यहाँ पर निकलता हुआ आ जाता है कि देखिए जो डिफेंस का बजट है डिफेंस में बहुत सारा बजट अलोकेट कर दिया जाता है और उसकी वजह से ही क्या हो जाता है बाकी सेक्टर्स में कम बजट हमें देखने के लिए मिलता है तो आप मुझे एक चलिए इस पर बहुत अच्छे से चर्चा कर सकते हैं आप मुझे एक बात बताइए अमेरिका जो अपना सबसे बड़ा प्रपोर्शन खर्च करता है किसके ऊपर डिफेंस के ऊपर स्टिल इतना अमाउंट खर्च करने के बाद भी इतना बड़ा जीडीपी का प्रपोर्शन खर्च करने के बाद भी ये तालिबान जैसे सिचुएशन को अट, से फेस करने में ठीक है नाकाम हो जाते हैं कई बार सो so, इंडिया जो कि इतनी मिलियंस ऑफ लोगों की कंट्री है इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास है और जब हम इंडिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करें तो देखिए हर जगह से ख़तरा है यहाँ तालिबान बैठा हुआ है यहाँ पाकिस्तान बैठा हुआ है यहाँ आपको चाइना दिख जाएगा जो आपको हर तरफ से घेरने की बात कर रहा है सो इंडिया स्ट्रेटेजिकली डिफेंस पे खर्च करना उसके लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ यूएस जैसी कंट्रीज़ को देखें जो मैक्सिमम अमाउंट भी डिफेंस पे खर्च करते हैं बट स्टिल कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हमें देखने के लिए मिली जाती है इन दैट केस इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो डिफेंस के लिए एलोकेशंस करें बट इट डजेंट मीन इन एनी सेंस कि डिफेंस का बजट दूसरे बजट्स को खराब कर देता है या इनकी वजह डिफेंस की वजह से दूसरी जगह पर बजट कम हो जाता है नो दिस इज़ नॉट द केस इट इज़ इन द गवर्नमेंट हैंड हाउ मच दे वांट टू स्पेंड एंड इन विच सेक्टर दे वांट टू स्पेंड चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन आपने अगर अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू गिव विंग्स टू योर प्रिप्रेशन डू विजिट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वी हैव टू ब्रांचेज वन एट भोपाल एंड अदर वन एट इंदौर साथ ही आप नीचे दिए गए क्यू आर कोड को स्कैन करके बाकी जानकारी ले सकते हैं सो डू नॉट वेस्ट एनी मिनट एंड मेक श्योर कि आप ज़रूर सफलता की ओर उड़ान भरें चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारा आर्टिकल आपके सामने आया है जी एस पेपर थ्री इकनॉमी के लिए देखिए बात की जा रही है आप बहुत टाइम से ऐसा नोटिस कर रहे होंगे कि इंडिया अब कहीं ना कहीं टिल्ट हो रहा है टूवॉर्ड्स तो, तो दी साउथ एशियन कंट्रीज देखिए अगर हम बात करें सो एक टाइम पीरियड वो था जब हम सबसे ज़्यादा डिपेंड uh, करते थे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते थे कि जो यूरोपियन नेशंस हैं यूएस है ऐसी इकोनॉमीज़ के साथ हम ट्रेड एंड बिजनेस करें लेकिन धीरे धीरे हमें एक बात समझ में आने लगी कि जो हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं है ना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं बेसिकली ये क्या है इनमें ज़्यादा पोटेंशियल है और यही बात निकल कर आई आप देखिए आई की ग्लोबल ट्रेड ने बताया है कि 5.4 परसेंट इन 2022 ट्वेंटी टू 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 पॉइंट फोर परसेंट इन ट्वेंटी थ्री का इंक्रीज आपको यहाँ पर देखने मिलेगा ठीक है इन्होंने बताया कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड आपको देखने मिल जाएगा साउथ एशिया ट्रेडिंग मोर विद डायनमिक्स देन ईस्ट एशिया नाइनटीन 1990s देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए जब हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया की तो बेसिकली हम सार्क कंट्रीज़ को यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं जब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं सो हम आशियान कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं अब आप देखेंगे एक नया ट्रेंड उमर, उभरता हुआ भी आपको नजर आएगा इंडिया को ये पोटेंशियल पता चल गई है।, है ना इंडिया समझ गया है कि भाई क्या होगा आपको ट्रेड को रियालाइन करने की ज़रूरत है टूवॉर्ड्स तो द ईस्ट एशिया और इसी की वजह से इंडिया ने दो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ आपकी निकालनी थी दैट इज़ लुक ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी ठीक है क्यों क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करने की आवश्यकता है अगर हमें अपना एक स्ट्रांग होल्ड बनाने की आवश्यकता है तो हमें कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में अपने आप को इस्टेब्लिश करना होगा सो so, आप अगर डेटा देखने की कोशिश करें तो जो मर्चेंडाइज हैं जो ट्रेड है बिटवीन साउथ एशिया और ईस्ट एशिया वो ग्रो करा है लगभग दस प्रतिशत दस प्रतिशत एनअल ग्रोथ ली है सिंस 1990 एंड 2018 तक और अगर देखें आप तो लगभग 332 बिलियन डॉलर का 2018 तक यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा ट्रेड देखने मिलेगा और बिल्कुल ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये जो ट्रेड है ये रीच करेगा 500 बिलियन डॉलर इकनॉमी की तरफ ठीक है so, सो इसी का रिजल्ट है जो आपको एफ के मेम्बर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज उसमें देखने के लिए मिलेगा सो एफ टी एयर वैन वी आर टॉकिंग अबाउट सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है ठीक है चलिए लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर लें तो इस सब में एक चीज समझ आ जाती है आर आरसीईपी और दूसरे अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें तो आप हमेशा देखेंगे इंडिया इज अमंग जो फ्री ट्रेड से पीछे हटती हैं जो फ्री ट्रेड में ज्यादातर आना नहीं चाहती और हमेशा इससे एक स्टेप बैक यहाँ पर ले लेती हैं ठीक है चलिए बात कर लेते हैं आखिर एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है ठीक है क्या आखिरकार किया जा सकता है सो so, सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है कि अगर हमें एशियन कंट्रीज़ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप इस्टेबलिश करना है रीजनल ट्रेड को इस्टैब्लिश करना है तो हमें कहीं ना कहीं एक बैरियर फ्री स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए दूसरा अगर हम बात करें सो अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ को एक बहुत अच्छा स्ट्रांग होल्ड यहाँ पर लेने की ज़रूरत है तो ऐसी जेड्स में हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा देखिए साउथ एशियन इकोनॉमीज की अगर आप बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक कंडीशन आपको देखने मिली है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक है जो कि बहुत ही कम आपको रिवर्स होते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे बात कर ली जाए अगर एसी जेड्स की तो ऐसी जेड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विच आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्योंकि ये वो यूनिट्स होती हैं जो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर देती हैं एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देती हैं जो किसके लिए आपके बिज़नेस के लिए इंडस्ट्री के लिए एक पूरा क्लस्टर प्रोवाइड कर देती हैं जो ऐसे बिजनेस को ईजी करता है अगर हम बात करें तो साउथ एशिया में देखिए छः से भी ज़्यादा ऐसी जैड्स हैं लेकिन ऑपरेशन में होने के बावजूद ये यहाँ पर रिलायबिलिटी आपको नहीं देखने मिलेगी साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है ही नहीं कि क्या किया जा सके साउथ एशियन कंट्रीज़ में बिज़नेस बहुत ज़्यादा ट्रेड स्ट्रांग हो पाए जैसे कोची आपको इंडिया में दिख जाएगा जो ए क्लस्टर का ही पार्ट है ग्वादर पाकिस्तान मिरसाराई बांग्लादेश हम टोटा श्रीलंका रिजल्ट क्या है हमें इस बारे में भी साउथ एशियन कंट्रीज़ को सोचने की ज़रूरत है एक रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम आपको लाने की ज़रूरत है फाइव जी ब्रॉडबैंड सेलूलर टेक्नोलॉजी आपको लाने की ज़रूरत है स्किल इंडस्ट्रीज़ को आपको इनहेंस करना पड़ेगा तभी कहीं जाकर क्या हो पाएगा एक आप बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर एशिया में क्रिएट कर सकते हैं थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर बात की जा रही है अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एफ के ऊपर हमें ध्यान देना होगा ठीक है अब देखिए जब एफ की बात की जा रही है मैंने आपको बताया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की यहाँ पर बात की जा रही है लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए इंडिया बहुत सारे आर जिसे जैसे हम बोल रहे हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे रूल्स से थोड़ा सा घबराता है और वो उससे पीछे रहता है बिकॉज द पॉइंट कम इंडिया नेवर ट्रस्टेड कि जहां जहां भी चाइना का इन्वॉल्वमेंट है चाइना किस तरीके से ट्रेड करेगा सो so चलिए आर की तरफ मूव करते हैं आर सी पी स्टैंड फॉर रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इसको साइन किया गया था बाई दिफ्टीन कंट्रीज तो इसमें जो कंट्रीज हैं वो आपको आशियान की कंट्रीज नजर आ जाएंगी आशियान की कंट्रीज के अलावा पांच अदर कंट्रीज हैं प्लस इनिशियली इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ इट मतलब इंडिया सोच रहा था कि वो आशियान वो क्या करेगा यहाँ पर साइन कर सकता है आर को बट इंडिया ने इससे विदड्रॉ कर दिया ठीक है सो इंडिया का यहाँ पर मना करने का एक सबसे बड़ा कारण हो जाता है जो मैंने आपको पहले भी बोला था विच इज चाइना नॉट अलोन इंडिया देर आर आर अदर कंट्रीज ऑल्सो हु कैन नॉट ट्रस्ट चाइना कि ये बिज़नेस करने कैसे वाले हैं ये ट्रीट करने कैसे वाले हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ इंडिया ने बोल दिया कि जितनी भी चीज़ें हैं जितनी भी कमोडिटीज़ हैं जो इंडोनेशिया से भारत में आएंगी उस पर इंडिया जीरो परसेंट टैक्स लेगा लेकिन जितनी भी कमोडिटीज़ चाइना से आएंगी वो उस पर लगभग पंद्रह प्रतिशत का टैक्स लेगा वॉट विल चाइना डू हेयर वो पहले अपना सामान इंडोनेशिया भेजेगा और इंडोनेशिया से ये सामान इंडिया आएगा कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती हैं ट्रांसपेरेंसी चाइना के साथ आपको देखने के लिए नहीं मिलती सो so, जहाँ जहाँ जिस जिस यूनिट का पार्ट चाइना होता है वहाँ वहाँ इंडिया इससे पीछे हट जाता है सो so, आप देखेंगे अगर हम आर सी पी मेम्बर्स की यहाँ पर बात करें सो चाइना जापान साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और बाकी के आशियान कंट्रीज इसका पार्ट हैं अगेन द प्रजेंस ऑफ चाइना जिसकी वजह से इंडिया इस पर ट्रस्ट नहीं करता बिकॉज इंडिया के पास बहुत सारी रीजंस आ जाते हैं जिन्हें हम एक एक करके यहाँ समझ लेते हैं अब आप देखिए इसमें एक कारण सबसे बड़ा देखने मिल जाता है चाइनीज़ एंगल जो मैंने आपको बताया था तो मैक्सिमम तो जितनी जो एफ की कंट्रीज़ हैं ठीक है जब आप एफ की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इंडिया ने सबके साथ एफ साइन किया हुआ है ऑलरेडी already, जो ऑलरेडी इसकी मेम्बर कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट दी चाइना सो so, इंडिया के पास ये भी पॉइंट आ जाता है कि वाई शुड आई ज्वाइन जब मेरा ऑलरेडी सबके साथ क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर साइन हो रखा है सो so, पहला कंसर्न तो आपको ये देखने के लिए मिल जाता है दूसरा कंसर्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया कहीं ना कहीं किसी भी एफ को साइन करने के पहले इस बात पर कंसर्न होता है कि उसका जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है इंडिया का जो एग्रीकल्चर है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पर किस तरीके का असर पड़ेगा क्या डेयरी इंडस्ट्रीज़ स्टील इंडस्ट्रीज़ या फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डेयरी इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करेगी एक फेस स्टेफ उसने देखा जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ क्या साइन किया था एफटीए जिसके बारे में गवर्नमेंट यूजुअली आउटकम्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस यहाँ पर नहीं होती ये भी एक कारण हो जाता है कि इंडिया एफ से लगभग okay. लगभग दूरी बनाने की काम करता है लेकिन वही वैन इट कम्स टू सर्विस सेक्टर इंडिया एफ़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है इंडिया हमेशा चाहता है और बहुत सारे एफ के लिए इंडिया आगे भी बढ़ता है जब आती है सर्विस की बात जैसे आप एम की बात कर लीजिए आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की कॉल सेंटर्स की यहाँ पर बात कर लीजिए सो so, इंडिया को पता है सर्विस सेक्टर में इंडिया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में काम करने के लिए हमेशा रेडी रहता है लेकिन जब आप बेसिक इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं जैसे डेयरी इंडस्ट्री हो गई स्टील इंडस्ट्रीज तो इंडिया थिंक्स ट्वाइस बिकॉज इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उसका डोमेस्टिक मार्केट इंडिया को पता नहीं होता है कि क्या आउटकम यहाँ देखेंगे दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि उसकी डिपेंडेंसी किसके पास हो चाइना के पास आप देख लीजिए इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस टैरिफ बैरियर ट्रेड बैरियर्स एफ साइन नहीं करने के बावजूद आप हर बार न्यूज़ में देखते होंगे इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सो इंडिया नेवर वॉन्टेड कि किसी भी तरीके से क्या हो इंडिया कहीं से कहीं तक चाइना या चाइनीज मेड प्रोडक्ट पर इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड हो जाए ठीक है चलिए तो ये सारे कुछ इशू हैं जिसकी वजह से आपको आर में इंडिया की मेंबरशिप नहीं देखने मिलेगी और सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया विच इज चाइना एंड द प्रेजेंस ऑफ चाइना जहां जहां चाइना मौजूद रहेगा इंडिया आपको एफ में आता हुआ नहीं नजर आएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इन टाइम फॉर करंट ओरियंटेड इन फर्स्ट न्यूज द फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस सेटिंग अप ऑफ भारत श्री विच स्टैंड भारत शेयर रेस्पिरेटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन इट इज़ अ डिजिटल एपीग्राफी म्यूजियम सेटअप इन द बजट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर अंडर दिस वन लैक एंशियंट इंस्क्रिप्शन विल बी डिजिटलाइज इन द फर्स्ट फेज And the Archaeological Survey of India will set up the first Bharat Shri Museum at Hyderabad. Next, Asia's first floating festival began on 1st of February at Mandusaur, Madhya Pradesh. It is the first edition of the Gandhi Sagar Floating Festival at Mandusaur. Next is the Ministry of Culture launched Har Ghar Dhyan campaign. The campaign will spread the importance of meditation to the public. So, it's a quiz time and first question is,

वर्ड लिमिट 150 है आप अपना आंसर चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अदरवाइज हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज राउस अकेडमी पर आप जाकर हमें अपना आंसर बता सकते हैं वी विल सी एंड रिव्यू ईच वन ऑफ योर आंसर्स सो आज के लिए बस इतना ही ज्वाइन आ बैचेस फॉर यूपीएससी एम पी पी एस सी सिविल सर्विसेज एग्जाम Thank you for watching this video do not forget to hit like button comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates please follow us on instagram and facebook links are given below in the description box thank you and see you tomorrow